इतवारी में गहने बनाने वाली दुकान के शटर का ताला काट कर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के गहनों समेत करीब 3,68,000 के माल पर हाथ साफ किया है। मिली जानकारी के अनुसार दुकान में सोने चांदी की गलाई कर गहने बनाने का काम किया गया जाता था। आरोपी की करतूत दुकान में लगे कैमरे में कैद हुई है। चोर ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए पहचान में थोड़ी मुश्किल है। तहसील पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार गांव श्याम सुंदर, तहसील घाटला, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल निवासी बंसरी सुशील सामोही ने तहसील थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। बंसरी ने पुलिस को बताया कि वो प्रेमनगर झंडा चौक नागपुर में रहता है, लेकिन मूलतः पश्चिम बंगाल का है। उसके इतवारी निकालस मंदिर के पास इंद्रजीत कॉम्प्लेक्स में सोने के गहने बनाने की दुकान है। 9-10 अक्टूबर की रात उसके दुकान में अज्ञात चोरों ने शटर के दोनों ताले काट कर भीतर प्रवेश किया है और सोने व चांदी के गहने चुरा लिए। सुबह दुकान के आसपास के लोगों से चोरी होने की जानकारी मिली है। बंसरी की शिकायत पर तहसील थाने में मामला दर्ज किया गया है। मेरा दुकान इंद्रजीत कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 2 निकालस मंदिर रोड इतवारी नागपुर में है। ये हम दुकान में 8 साल से किराए से ये दुकान लिए हैं। हम दुकान 9:30 बजे बंद करके गए। हमको दूसरे दिन सुबह पता चला 9:30 बजे कि दुकान के लॉक टूटे। हमने CCTV फुटेज देखे हैं, उसमें 11:25 में चोर दुकान में एंट्री करता है और 11:44 में वो पूरा माल लेके जा चुका है। कम से कम 3,70,000 रुपये का करीबन माल था, वो पूरा लेके गया। 75 ग्राम सोना और 200 ग्राम चांदी और बाकी पूरे दुकान के जो लॉकर्स है, ड्रॉवर्स, उसके लॉक तोड़ के दुकान का पूरा ये करके गया। दुकान का जो पीछे का गेट है, ग्रिल, उसका लॉक खोला है उसने और वो गली में आया और उसके बाद आरी से बाहर के दोनों लॉक शटर के काटा है और उसके बाद एंट्री किया है। ऐसा कोई देखा हुआ नहीं है, बाहर का है और दुकान में आया अभी होगा तो उतना ध्यान में नहीं है। हमारा कारागिरे का काम है, हम शोरूम का काम हमको मिलता है, वो 2-3 दिन के साइड में हमको काम बना के देना पड़ता है। वो तो हमको तो भरना ही पड़ेगा क्योंकि हमको बाहर के ज्वेलर्स वालों ने दिए है, वो तो हमारे पास से ही जाएगा। हमारा यही मांग होगा कि हमको रिफंड मिले पूरा और चोर को पकड़ा जाए तुरंत, जल्दी से जल्दी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।